मेरी जो है शलवारें छोटी आई हैं। सत्यानाश ही कर दिया उसने। सत्यानाश कर दिया यार। उसके पास मर जाने के बाद उसको बोला की कीते आज ऊपर से बड़ी करनी पड़ेगी। और भाई ये क्या आपने किया है कि आपने मेरी शलवारें जो है वो दो तकरीबन दो इतनी आपने छोटी की है शलवारें। जो बंदा मेरा व्लॉग मुझे सब्सक्राइब करे बगैर देख रहा है अभी क्या अभी सब्सक्राइब कर दो और मेरे बेल आइकन को जल्दी से दबा दो। आपका भाई आज फुल भाई रेडी शेडी होके जरा फ्रेश वगैरह बाल छाल बना के आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा है और डैडी भी जो है आगे। डैडी ने भाई चेक करवाए हाय हाय क्या शलवार की पहनी है चलो मुझे इन्होंने पहना दिया मैंने पहली दफा पहना और तू भी अपनी शलवार के मुझे चेक कर यार वो हाँ। ये आ गया जी हमारी शलवार और इसको जो है हम चेक करते हैं लगा करके ये सानू कैसी ये ओ भाई गाइस ये मुझे क्यों लग रहा है कि मुझे यार क्या मुसीबत है कसम से यार। नहीं यार ऐसा सब कुछ मेरे साथ ही होता है। मामा जी क्यों इतनी ऊंची ऊंची आवाज लगा रहे हो क्या हो गया बेटा ये क्या है? ये वही कपड़े हैं जो मेरे सिल के आए हैं और मेरी जो है शलवारें छोटी आई हैं। सत्यानाश ही कर दिया उसने। सत्यानाश कर दिया यार। नाप तो दिया था मामा साहब से वादा सारा नाप दिया था उसके बावजूद इतने शलवारें भाई इतनी शलवारें उसने की मैं उनकी गवां। उसके पास मर जाने के बाद उसको बोला की कीते आज ऊपर से बड़ी करनी पड़ेगी। हाँ ना अभी उसने बिल्कुल यहाँ से जो है उधेड़ के यार उसके पास कपड़ा होगा ना कपड़ा होगा क्यों इसी से सिलवाई कराए हैं हाँ। क्यों नहीं होना अभी चलो लेके आए हैं। ठीक है यार फिर ऐसा करें ना इसको जरा पैक करें तो फिर अभी चलते हैं उसके पास ही चलता हूँ तो उसको मैं बोल के आता हूँ कि भाई ये क्या तूने किया यार उसकी क्लास लेना जाके ये तरीके उसकी क्लास नहीं लूंगा उसका मैं सब कुछ। आप ही कपड़े पैक करें ना क्योंकि निकलते हैं उसने शाम को फिर शॉप भी बंद करनी होती है जाके उसको ठोक के कहते हैं भाई उसको मैंने पता क्या कहना जाके मैंने कहना हाँ भाई एक ही कम पाएगी। चले आप जल्दी से इसको पैक करें ना फिर निकलते हैं। ले भाई मेरी वॉच भी आ गई इसको जरा हम बैठ कर अभी पहनते हैं। आए आया आया लेवल है भाई लेवल है। ये बैग पहनते हैं हम ऐसे और भाई चलो जी ओए लूज हो गया यार रुको इसको मैं टाइट करता हूँ पहले। अब पकड़ते हैं हम अपनी शलवार की मेज़ें और चलते हैं उस दर्जी के पास। यार अभी हम भाई एक सैलून की तलाश में थे और हमने भाई गुजरात में एक ऐसा सैलून ढूंढ लिया कि जो भाई आपको तमाम सर्विसेज पर 50% डिस्काउंट देगा और 50% डिस्काउंट के लिए डैडी भी आ गई। डैडी ने यहाँ पे हथ करवाना था मजे हैं 50% डिस्काउंट है यार मैं सोच रहा हूँ मैं भी हेयर कटिंग करवा रहा लेकिन नहीं यार मैं जरा बाद में कराएंगे इसके लिए करना क्या होगा। हाँ अगर आपने भी 50% डिस्काउंट लेना आप यहाँ पर आओ लेकिन इसके लिए आपको ये व्लॉग सेव करके आना पड़ेगा या आप व्लॉग को लाइक कर लो सब्सक्राइब करके आप इनको दिखाना है कहा के चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और मैंने जो है व्लॉग भी लाइक किया हुआ फिर आप इनको ला के दिखाएंगे और आपको भाई 50% ऑफ। मैं तो भाई आराम से बैठा हूँ और डैडी को देख रहा हूँ उनका वेट कर रहा हूँ भाई अपने कटवाए अपना बीड वगैरह सेट करवाएं क्योंकि मैं तो अपने बाल नहीं कटवाऊंगा हमारे को अपने बालों से बहुत प्यारा जो मर्जी कर लो भाई बाल नहीं काटूंगा। डैडी की भी जो है अच्छा तो गया जरा दिखा दें यार हमारे सारे जो लोग देख रहे हैं उनको दिखाएं यार। वाह जी वाह भाई बैग तो इधर ही रह गया है बैग किसने पकड़ना भाई चलो भाई ओए निकलते हैं आप सारे के सारे देख लो भाई ये शॉप है फेयर लैब जल्दी से आज जल्दी से पानी चेक करो भाई पानी और उस रोड पे चेक करो यार यहाँ पे कल बारिश हुई है सुबह सुबह और अभी तक पानी खड़ा हुआ है। यार अभी हमें भूख लग चुकी है डैडी का और मुझे तो अभी हम कुछ देसी कुछ दाल चाल खाते हैं क्योंकि हमने सुबह तो कुछ नहीं खाया हुआ चोल देसी गाइस चेक करो यार डैडी ने अपने लिए चने मंगवा लिए और मैंने ये शाही दाल मंगवा ली क्योंकि मुझे इनके जो है शाही दाल बहुत पसंद है मुझे अभी कोई दाल वगैरह खानी होना भाई मैं इधर से ही खाता हूँ तो अभी जो है शुरू करते हैं। पानी यहाँ पे नहीं जाता भाई पूरा हफ्ता हो जाएगा लेकिन ये पानी खत्म नहीं होगा। चुके हैं हम टेलर के पास और भाई ये क्या आपने किया है कि आपने मेरी शलवारें जो है वो दो तकरीबन दो इतनी आपने छोटी की है शलवारें यार हो गया था भाई क्या हो गया है मेरे ख्याल से ये कारीगर से गलती हो गई है आप आराम से बैठे ठीक करवा देते हैं जनाब। यार मेरे इतने कीमती मतलब सूट हैं आपने देखे ना आप इतनी दफा आपसे करवाया आपने कभी इस तरह नहीं किया लेकिन इस दफा क्या यहाँ से जो है आपने दो तकरीबन इंच जो है आपने शलवार जो है टाइम नहीं होता हमने हमारा कल फंक्शन था हमने वहाँ पे पहनने हैं यार ये तरीका क्या है यार कुछ मैं एक्सक्यूज करता हूँ मैं ठीक करवा देता हूँ आप बैठे गुस्सा ना करें
चलें ये आप जरा काइंडली जल्दी करवा दें ठीक। तो मैं फिर वेट करता हूँ बैठ के। चलो यार अभी हम जरा बैठ के वेट करते हैं और ये भाई जरा हमें जल्दी से सिलवाएं ठीक, मतलब थोड़ी बड़ी करके दें और हम बस यहाँ से जाएं क्योंकि हमारा फंक्शन है भाई। हमारा भी छोटा सा जो है फैन आया है यार, ये पहले अंदर ही नहीं था रहा, इसको ना शर्म आ रही थी। शर्म क्यों आ रही थी? पहली बार भी ना ऐसा है भाई, शर्म आती है कभी कभी। और सुनाओ ठीक हो? फॉलो किया मैंने मुझे हर जगह, चैनल मेरा यूट्यूब का सब्सक्राइब किया है। पक्की बात? चलो जी गुड हो गया। अगर आप लोगों ने भी नहीं किया, आप लोग का तो बच्चे ने किया, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी अभी दबा दो। इतनी सी बात थी, ये आप रेडी हो गए, आप ऐसे गुस्सा कर रहे हैं यार। गुस्सा क्यों ना है, जब बंदे का अगले दिन बंदे का फंक्शन और भाई पता चले कि कपड़े भाई खराब हुए हैं, इसलिए मुझे ना बहुत गुस्सा आ गया था। कोई बात बुरी लगी हो तो भाई माजरत, बाकी जरा ख्याल किया करें, कपड़े शपड़े जरा जो है ना ये ठीक किया करें। चला जी थोड़े सारे पैसे वगैरह निकलवाते क्योंकि पैसे बिल्कुल मेरे पास खत्म हो गए हैं। बच्चों के लिए चीजें लेने के लिए कैलकुलेटर है, बैग है और दूध रास्ता बैम्बू कैम है, पेंसिल वगैरह शॉप पे। चलो भाई इसमें इसी इसी शॉपर में डालते हैं, इसमें पॉकेट है। चलो जी बैग भी लेना है रोमैसा के लिए, पता नहीं किसके लिए लेना है, रोमैसा के लिए शायद लेना है, बैग भी लेना है। तो भी बैग वाले शॉप पर आ गए, बैग लेते हैं। सर हमें जो है ये वाला बैग पसंद आया है, ये महरून वाला, ये इसमें दो थे, ब्लैक था और महरून था। हमें ये वाला पसंद आया तो हम जो है ये वाला करते हैं, तो फिर भाई से हम बार्गेनिंग करते हैं। फुल आज हमने भाई बार्गेनिंग करनी है फुल, हमने कहा ना भाई 200 कट करो आज, फुल लड़कियों वाला काम करना है। 3500 रुपया हमें भाई साहब ने बोला है, अब देखते हैं डिस्काउंट क्या है। कह रहे हैं 2800 रुपया, लेकिन मैं अभी फिर भी उनसे बार के नहीं करूंगा यार, आज हमने फुल औरताना काम करना है। ये मैं 2000 रुपए मैं भाई साहब को देने लगा हूँ, अब देखते हैं हमें इससे ऊपर कितने देने पड़ते हैं। ये पकड़े हैं भाई, अब बताए और आप बताएंगे 800 आप जब भी आए ना किसी साथ लेडी को लेके आया करें शॉपिंग और पे काबू आ जाते हैं, हमसे नहीं काबू, हमसे काबू आने लगे, हमें पूरे के पूरे भाई पैसे देने पड़ेंगे 2800। 2500 में काम गुड हो गया है, अगर वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा था भाई 2000 में हो जाना था क्यों नहीं। चलो यार वाह वाह मामा आप तो रेडी भी हो गए यार। वैसे आज हमें ना टाइम में से काफी जो आज बाहर हमें काफी टाइम लग गया है, तकरीबन 5 से 6 घंटे लग गए आई थिंक। हम ना उधर जरा डैडी अपनी ट्रिमिंग करवा रहे थे बीएड की, उधर टाइम लग गया, और उसके बाद टेलर के पास हमें काफी नहीं, मैंने नहीं करवाया, मैं तकरीबन ना दो तीन दिन तक करवाऊंगा। अच्छा चले फिर कहाँ जाना है, कहाँ जाना है गाइस? मैं बताता हूँ। हम अभी जा रहे हैं जी डिनर करने के लिए मामा को लेकर, क्योंकि मामा भाई काफी देर से बोल रही थी यार मैं घर में बना के थक गई हूँ, कभी मुझे भी जो है ना अब डिनर करवा दो। तो अभी हम चल रहे हैं जी डिनर पे, टाइम पे तकरीबन रात के 10 बज गए, सो अभी निकलते हैं कोई रोटी शोटी मंडते हैं चल के। ये बेचारी का मुंह बना हुआ है क्योंकि इसको लेके नहीं जा रहे, वेरी सैड। तो यार हम रेस्टोरेंट पर आ चुके हैं और डैडी मामा जो हैं वो ऑर्डर कर रहे हैं बैठकर, और मैं बस देख ही जा रहा हूँ यार, मेरे से पूछ तक नहीं रहे कि कहा आप कुछ खाओ, लाइक कुछ अपनी तरफ से या कोई तुमने अलग-अलग चीज़ खानी हो? नहीं भाई मुझे पूछ, वो देख भाई किस्मत ही ऐसी है भाई, क्या कर सकते हैं आप, हम अपनी किस्मत पर रहें या खुद पर रहें बताओ मुझे, सारे कमेंट्स में बताओ। बस अब वेट करते हैं जल्दी से रोटी छोटी आए और जल्दी से रोटी छोटी मंडे, क्योंकि मुझे अब दोबारा से भूख लग चुकी है और बहुत सख्त किस्म की लग चुकी है, चूहे दौड़ रहे हैं भाई मेरे पेट में। रोटी छोटी गुल गई है गाइस, रोटी गुल गई है भाई, डैडी शुरू हो जाए। ये देखो डैडी अभी सैलरी खा रहे हैं बैठ के फुल, होता है ना बंदा चिल मोल में लगे हुए हैं, चिलिंग आओ। हम ये मीट ट्राई करते हैं, मजेदार। हम नान के साथ जो है कबाब ट्राई करते हैं, लाइक दैट, मजेदार। यार मैंने अपना खाना स्टार्ट भी कर लिया और आप लोग ऐसे ही बैठे हुए यार, ये कोई बात है? शुरू करो भाई, रोटी खुल गई है। चलो यार खाना खत्म करते हैं जल्दी से। हाय 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 गाइस, यहाँ पर बैठ के जो सुकून आया ना मुझे, वो कहीं भी नहीं आया आज। मैं कहता हूँ इतना लंगर मैंने खाया ना, इतना मैंने खाना खाया, आई एम जस्ट फुल, मैं यहाँ तक फुल हूँ, बिलीव मी। नाउ आई विल डू सम वॉक, कुछ चलेंगे भाई फिरेंगे, जरा वॉक वगैरह करेंगे ताकि भाई जल्दी से हजम हो, वरना तो मेरा अभी हम यहाँ पर ब्लॉग को एंड करते हैं। तो
तो भाई जिस चीज़ मेरे भाई ने मुझे अपना सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और बेल आइकन भी लाजमी पुश करना ताकि मेरा जो भी व्लॉग आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए। सो इस व्लॉग को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं एक और मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।